गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम ऑल्सो फाइन एंड इन दिस वीडियो वी लर्न नंबर नेम्स वन टू थर्टी ओके क्लास यूके जी सब्जेक्ट मैथ्स ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग नंबर्स पढ़ा था सबसे पहले वन टू फिफ्टी फिर फिफ्टी वन टू हंड्रेड ठीक है फिर हम लोगों ने आफ्टर नंबर पढ़ा बिफोर नंबर पढ़ा ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब कंप्लीट कर लिए होंगे और आपको काउंटिंग नंबर अच्छे से याद हो गया होगा तो आज हम नए टॉपिक पे आते हैं आज मैं नए टॉपिक पढ़ाऊँगी नंबर नेम्स ठीक है तो आज मैं वन टू थर्टी तक का नंबर नेम लिखूँगी और उसको आपको देखना है पढ़ना है याद करना है और अपने पेरेंट्स से सुनाना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ओके okay, स्टार्ट तो आप लोग सबसे पहले ये बताओ आप लोग ने एल के जी में भी पढ़ा था तो याद तो होगा ही लेकिन फिर से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और जिसे नहीं याद है वो बच्चा याद भी करेगा ठीक है स्टार्ट करते हैं ओ एन ई वन टी डब्लू ओ टू टी एच आर Double E three F O U R four F I B E five S I X six S E B E N seven E I जी एच टी एट एंड आई एन ई नाइन टी ई एन टेन ठीक है ई एल ई भी ई एंड एलेवेन टी डब्लू, ई एल भी

and 15 s i x t double e and e, 16 s e b e and t double e and 17 e i g h t double e and 18 n आई एन ई टी डब्ल एन नाइनटीन टी डब्लू ई एन टी वाई ट्वेंटी टी डब्लू ई एन टी वाई टी डब्लू ई एन टी वाई ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन है तो फिर वहाँ पर वन लिख देंगे ओ एन ई ट्वेंटी वन ओके T twenty T W E and T Y twenty two T W O twenty three T W E and T Y T H -E three twenty three up twenty four T W E and T Y twenty F O U R twenty four T T W E and T Y twenty f i v e 25 t w e and t y 20 s i x 26 t w e and t y s e b e and 27 t w e and t y e e i g s t 28 t w -E e n t y n i n e 29 t h i r t y 30 okay done one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty एट ट्वेंटी नाइन थर्टी ओके तो ये आपका वन टू थर्टी तक हो गया नंबर्स ने ठीक है एंड आप लोग को इसको पहले याद कर लेना है जिसे नहीं याद है और उसके बाद अपने कॉपी पे बिना देखे हुए भी लिखना है और एक दो बार ओरल अपनी मम्मी पापा को सुनाना है ठीक है तो आप लोग को अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है इसको याद कर लेना है एंड मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं उनसे याद करवाएं एंड उनसे लिखवाए कॉपी पे नोट करवाएं थोड़ा कॉपरेट करें थैंक यू टेक केयर